गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज टू पॉलीनोमियल ऑफ क्लास नाइन्थ। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पॉलीनोमियल्स में इंक्लूड करी गई हैं। डिग्री पॉलीनोमियल्स में डिग्री होती हैं। जैसे आपके पास कोई टर्म गिवन है एक्स, एक्स की डिग्री यहाँ पर क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वन। दिस इज डिग्री टू। तो ये जो हम पावर से डिग्री है ये डिग्री कहलाते हैं। किसी भी पॉलीनोमियल में, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर आपसे फाइंड आउट करना हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, गिवन के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप डिग्री फाइंड आउट करिए, तो डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री आपको बतानी होगी। सपोज आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² + 4x + 1, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, इस पॉलीनोमियल की आपके पास डिग्री अगर फाइंड आउट करने को कहा जाएगा तो आप इसकी डिग्री क्या कहोगे, वन। डिग्री इज वन। x² + यहाँ पर x³ इस तरह से भी लिखा हो सकता है, +2x - 1। इस पॉलीनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाएगी आपकी, इस पॉलीनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वही इसका आंसर है, 4। क्लियर? तो ये आपके पूरा डिग्री वाला टॉपिक है कि आपको डिग्री कैसे बतानी है। डिग्री का जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है उसमें x² + x² - x और गिवन है आपको ये, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि क्वेश्चन आपको x² + x² - x / x इस टर्म में भी, तो आपको पहले से कैलकुलेट करके सॉल्व करना होगा। तो x² / x + x² - x / x आपने सेपरेटली इसको हर टर्म के नीचे इंक्लूड कर दिया। अब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल, ऊपर x² है, नीचे ओनली x है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, x² + यहाँ पर 8 डिग्री कम हो जाएगी x से, यहाँ पर कितने रह जाएंगे 3, तो यहाँ पर रिमेनिंग 3 - 1। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज 1/4। कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसको लीनियर के लिए कहा जाएगा, जिसमें वन एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो लीनियर इक्वेशंस में कंसीडर होगा। जो जिसमें टू है एक्सप्रेशन आपके, वो टू में आपको कंसीडर करना है। कॉफिशेंट्स की बात आती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। कॉफिशेंट्स हैं आपके, कॉफिशेंट्स जैसे 2x², अब इसका कॉफिशेंट क्या होगा, x² का कॉफिशेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका कॉफिशेंट होगा, कॉफिशेंट ऑफ x² इज 2। कोई गिवन आपको एक्सप्रेशन है, पॉलीनोमियल आपको गिवन है 4x + 5x² - 4, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको x² का कॉफिशेंट फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे इसमें कॉफिशेंट ऑफ x² इज 5। और गिवन नहीं है, सपोज जैसे कि 2x + 2y से लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट एल्जेब्रिक नंबर, y² - 1, इसके अंदर y² का कॉफिशेंट क्या होगा, गिवन नहीं है, मीन्स कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ y² इज 1, इस तरह से। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलीनोमियल्स कौन से होंगे, हमें डिग्री 1 लीनियर पॉलीनोमियल होंगे जिनमें डिग्री क्या होगी, 1। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिनमें डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलीनोमियल जिनमें डिग्री 3 आपको नज़र आ रही होगी।
कॉफिशेंट्स हो गए, डिग्रीज हो गए आपके, और पॉलिनोमियल्स पर वन टर्म वाले मोनोमियल लाइक टू इज, टू टर्म्स वाले बाइनोमियल दिस, थ्री टर्म्स वाले ट्राइनोमियल, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव, इस टाइप से. तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री क्या होती है, टू होती है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं. अब आती है फाइंड द जीरोस. जीरोस फाइंड आउट करना है. इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें आपको एग्जांपल देना है कि बाइनोमियल टर्म्स लिखनी है. बाइनोमियल्स मीन्स इस टाइप में आपको टर्म लिखनी है. तो आपको डिग्री गिवन है कि डिग्रीज में 100 दे रखी है, और आपको कोई अपने एक्सप्रेशन लिखना है. तो आप कोई भी एक्सप्रेशन अपनी तरफ से लिख सकते हो, y की फॉर्म में लिख सकते हो, z की फॉर्म में, x की फॉर्म में, a की फॉर्म में. तो 100 में लिखना है आपको बाइनोमियल लिखना है. अगर आपको मोनो में लिखना होता ना तो इतना आंसर काफी था. बाइनोमियल कह रहा है तो आप प्लस 4 और कर दो उसमें. अपनी तरफ से कोई भी एक्सप्रेशन आप बना के लिख सकते हो. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो होते हैं जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना देते हैं. ठीक है, जीरो बनाने वाला जो नंबर होगा वो नंबर आपको निकालना है या फिर आपको गिवन. कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर, अभी तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. फाइंड आउट द -5x - 4x स्क्वायर + 3, ये है फंक्शन. अब आपको इसमें जीरो रखना है, गिवन वैल्यूज आपको पुट करनी है. x इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 1 है, x इज इक्वल टू 2 है. ये वैल्यूज रख करके आपको इस पॉलिनोमियल का, इस एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, x माइनस 1 से इसको लिखेंगे. अब लिखना कैसे है आपको ध्यान रखना है. जीरो भी रख सकते हैं यहाँ पर, आप टू भी रख सकते हैं. जो भी गिवन वैल्यूज होंगी वो इस एक्स की जगह पर रखी जाएंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह पर रखी जाएंगी, और आपको इसकी वैल्यू मिलेगी. अब आपको वेरीफाई भी करना है कि वेरीफाई करिए कि ये जीरोस है. एक और ले लो क्वेश्चन, कोई टू टी का लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पी टी, यहाँ पर फंक्शन पी टी से डिनोट कर देता है तो हम टी से ही करेंगे. टी टू टी टू प्लस टी माइनस प्लस टी स्क्वायर करनी है. कोई से भी एक वैल्यू मैं आपको पुट करके बता देती हूँ. जीरो रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कुछ पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल आप लिख रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल
जीरो बनेगा, वो जीरो किस नंबर से बनेगा वो उसका जीरोस कहलाता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन, मैनेंस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। आपको ये बताना है कि ये वेरीफाई करना है कि क्या इस वैल्यू से ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा या नहीं। अगर ये जीरो बन जाता है, यहाँ बनने का मतलब है कि आप जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो आंसर है वो कैलकुलेशन के थ्रू जीरो आ रहा है। इट मीन्स ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? Therefore, x is equal to minus 1 upon 3 is a zero.